सहारा प्रणाम, मैं हूं प्रीति पांडे। बड़ी बहस में आप सबका स्वागत है। पश्चिम बंगाल, बीजेपी के धुर सियासी विरोध का एक बड़ा गढ़। ममता बनर्जी के 10 साल में तैयार किए गए इस किले में बीजेपी ने साल 2019 में बड़ी सेंध लगाई थी और 18 संसदीय सीट टीएमसी से छीन राज्य में नंबर दो का तमगा हासिल कर लिया था। ममता के साथ साथ वामपंथी और कांग्रेसियों को भी बंगाल में बीजेपी की यह धमक सुहाई नहीं थी। नतीजा रक्त रंजित सियासत का फिर एक नया दौर शुरू हुआ और इस बार निशाने पर थे बीजेपी कार्यकर्ता। टीएमसी के लोगों ने बीजेपी वर्कर्स के साथ हर हथकंडा अपनाना शुरू कर दिया और सरकार के इशारे पर पुलिस ने भी, मदन घोरी की अगर बात की जाए तो न्यायिक हिरासत में मौत ने ममता सरकार की बौखलाहट को उजागर कर दिया। पिछले एक महीने में 6 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद पीएम मोदी ने ममता को नसीहत भरा संदेश भेज दिया कि मौत के खेल से वोट नहीं मिलते, दीवार पर लिखी इबारत पढ़ लेना। दीवार पर लिखी एक इबारत शायद बिहार के नतीजे भी हैं और मोदी का इशारा यही है कि बिहार के बाद मिशन बंगाल की शुरुआत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभी तकरीबन 6 महीने से ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन अमित शाह ने यहां चुनावी बिगुल बजा दिया है। 5 नवंबर को बिहार छोड़ बंगाल पहुंचे शाह ने सोनार बांग्ला बनाने का खाका खींच दिया और कार्यकर्ताओं को 200 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य दे दिया। दरअसल सोनार बांग्ला उस स्लोगन को पेश करना था जिससे बीजेपी पर हिंदी भाषी पार्टी या फिर बाहरी होने का आरोप न लगे। बंगाल के लोगों से तार जोड़ने के लिए बीजेपी मतुआ जैसी पिछड़ी जातियों पर भी डोरे डालना शुरू कर चुकी है, लेकिन ममता की मुसीबत बीजेपी ही नहीं अपने भी हैं। वामपंथ को उखाड़ फेंकने के लिए ममता ने जिस नंदीग्राम को आंदोलन की जमीन बनाया था, उसी नंदीग्राम के शिल्पी और पार्टी के नंबर दो की हैसियत रखने वाले शुभेंदु ने अब बगावत का परचम उठा लिया है। नंदीग्राम के एक हालिया रैली में शुभेंदु ने ममता का पोस्टर भी नहीं लगाया। फिर 3 साथी मंत्रियों के साथ गुरुवार को कैबिनेट की बैठक से भी नदारद रहे। बीजेपी भी ताक में है कि कब टीएमसी की डाल से कोई पत्ता टूटे और वो लपक ले। पहले भी ऐसा हो चुका है। उधर कांग्रेस के साथ लेफ्ट की जुगलबंदी ने भी ममता की नींद उड़ा खा रखी है। बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में 200 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी को 2014 से ही 150 के करीब अपने वर्कर्स की जान से हाथ धोना पड़ा है। इनमें से 48 के करीब तो 2020 में ही मारे जा चुके हैं, जबकि 2019 में भी 30 के आसपास हत्याएं हुई थी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के मिशन और ममता के तल्ख तेवर अभी और कितना खूनी संघर्ष करवाएंगे ये पता नहीं, लेकिन गुरुवार को बीजेपी बंगाल प्रमुख के काफिले पर ही हमला हो गया और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पश्चिम बंगाल की सियासत पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी के नेता भास्कर घोष, कांग्रेस के अनुज आत्रेय, टीएमसी के लीडर नीरज राय और राजनीतिक विश्लेषज्ञ डॉक्टर सुनील कौशिक जुड़ गए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भास्कर साहब, आप ही से सवाल कर लेती हूँ। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपना संबोधन दिया, हालांकि संबोधन बिहार को लेकर के था, लेकिन बंगाल के लिए भी ना नाम लेते हुए भी संकेत दे दिए कि जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, ये राजनीतिक हत्याएं कम से कम जीत की इबारत नहीं लिख पाएंगी और इसको समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए उन लोगों को जो पॉलिटिकल किलिंग्स को अभी भी आगे बढ़ा रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से अब बंगाल खूनी शक्ल लेता जा रहा है, अगर ऐसा करते हैं तो नतीजे परिणाम में जब बदलेंगे तो उनके लिए नुकसानदेही होंगे। सबक ले लें लोग, क्या समझा जाए? देखिए प्रीति जी, पहले तो ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि कल माननीय प्रधानमंत्री ने जो भी बयान दिए हैं जी, ये घटना आज बंगाल में अब से नहीं घट रहा है जी। 10 साल का अगर पूरा आंकड़े देखें तो हमारे हजारों लोग जो हैं वो घायल हो चुके हैं, 100-100 लोग कत्ल हो चुके हैं। और 10 साल का जो ये बंगाल का ममता बनर्जी का जो भी इतिहास रहा, ये इतना खून से सींचा हुआ, खून से रंगा हुआ जी। कि आज आप बिहार में जो इलेक्शन हम लोग जीते उसमें देखिए, जो बिहार में होता था पहले, ये इलेक्शन डे पे सबसे ज़्यादा भयंकर हिंसा होता था, वो बिहार में बंद हो गया। लेकिन आज बंगाल जो है वो बिहार का यूपी का सारा रिकॉर्ड तोड़ कर दे दिया। तो आज प्रधानमंत्री को ये बोलना पड़ा
कि आज बंगाल का जो धरती है, माँ माटी मानुष का जो धरती है, वो धरती आज रक्तों के रंगों से सींचा हुआ है, आज खून से सींचा हुआ है। और वो खून और कोई नहीं है, हमारे खुद हमारे भाजपा के कार्यकर्ता है, भाजपा के नेता है, भाजपा का MLA है। आप ये बंगाल का ये जो एक दृश्य देख रहे हैं, सारा दुनिया देख रही है जी। ये दृश्य के बारे में प्रधानमंत्री ने कल चेतावनी भी दी है कि अगर ये दृश्य चला तो बंगाल में भाजपा को आने का सिर्फ समय का ही जो एक अंत है, मतलब समय के जो बाकी है वही देखना पड़ेगा। और आप देखिए, ये आज सुबह भी मैं कई चैनल में बोल चुका हूँ कि एक टेररिज्म जो चल रहा है, पॉलिटिकल वायलेंस जो चल रहा है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल वायलेंस नहीं है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। यानी बंगाल का सरकार, बंगाल का जो अभी क्षमता में जो पार्टी है वो, और आज सारा बंगाल का जो मशीनरीज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस जो है, वो सब मिलकर ये जो पॉलिटिकल टेररिज्म, पॉलिटिकल वायलेंस, इसमें जुड़े हुए हैं। ये परिस्थिति शायद इंडिया में कोई स्टेट में आज नहीं है। कश्मीर भी आज 370 धारा के बाद कश्मीर भी आज धीरे धीरे मेन स्ट्रीम की तरफ आ रही है, लेकिन बंगाल जो है एक आइलैंड की तरफ बढ़ रहा है, मेन स्ट्रीम से कट गया है। आज बंगाल में जिस तरह से अपीजमेंट हो रही है, जिस तरह से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था, जिस तरह से गाय तस्करी हो रहा था, जिस तरह से फेक नोट का तस्करी हो रहा था, जिस तरह से ड्रग की तस्करी हो रही है, हर कानून के खिलाफ जो भी कार्य है वो बंगाल में हो रहा है। बंगाल आज बम की से हमारे साथ जुड़ गए, आज बम की फैक्ट्री बन चुकी है, आज बम की मैन्युफैक्चरिंग बेस बन चुका है। टीएमसी से हमारे साथ नीरज राय जी जुड़े हुए हैं। नीरज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नीरज जी, एलिगेशन जो लगे हैं टीएमसी को लेकर के, ये ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पहली बार ये एलिगेशन लगा रही हूँ अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से, हालांकि शब्द दूसरों के हैं, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, लेकिन जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, आखिर क्यों टीएमसी अपने बचाव में कुछ कह नहीं पा रही है? कहीं ना कहीं कुछ तो हकीकत है, एक मौत थोड़े हुई है, कई कार्यकर्ताओं की मौत हो जाती है, और बार बार आरोप टीएमसी पर लगना, क्या टीएमसी को नहीं लगता है कि प्रीति जी एक भी पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है, एक भी इंक्वायरी नहीं हो रहा है, एक भी कुछ नहीं हो रहा है? नीरज जी खुद जुड़े हुए हैं, उनका पक्ष सुन लेते हैं। भास्कर जी, हमको बोलने दीजिए जी, आप उस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भास्कर जी, कि जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी देश में अपने विधायक और सांसदों को पहचानने से इनकार करती है, उस पार्टी जो कि बंगाल में सिर्फ कार्यकर्ताओं को पहचान रही है। अरे कितनी शर्म की बात है कि सत्ता में खुद को साबित स्थापित करने के लिए आप लोग पिछले 6 सालों से ऐसे कुकृत्य रखते जा रहे हैं जो कि अपने आप में देश को शर्मसार कर रहा जी है। आप एक प्रकरण को लेकर के आरोप नहीं लगा सकते, आप बजरंग दल वाले घटना को लेकर के ये नहीं कह सकते कि बीजेपी द्वारा किया गया, और अगर ऐसा हुआ है तो चार्जशीट कितने मामलों में आपके द्वारा किया गया? अरे यार प्रीति, आप बात सुनिए ना, आप बात सुनिए हमारी, भास्कर जी बोले हैं आपने सुना है, हम जो बोल रहे हैं सुनिए जी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पिछले 2.5 सालों से मैं चीख चीख के मीडिया को बोल रहा हूँ कि अगर हमारी सरकार बंगाल में देश हित में काम नहीं कर रही है, बंगाल हित में काम नहीं कर रही है, तो मोदी जी आप देश के प्रधानमंत्री हैं ना कि गांव के प्रधान हैं? कि आप एक प्रदेश पे एक्शन नहीं ले सकते हैं? आपका सिस्टम राष्ट्रपति आपका है, आपका सर्वोच्च न्यायालय आपके पास है, एक अपना एजेंट वहां धनखड़ को बैठाए हुए हैं। अरे इतना हम लोग हित में काम नहीं कर रहे हैं, देश के विरुद्ध जा रहे हैं, प्रदेश की जनता के विरुद्ध। सर बाकी मुद्दों को छोड़ देते हैं ना। नीरज जी सवाल मेरा जो हत्याएं हुई है बीजेपी कार्यकर्ताओं की, उनको लेकर के था, उसको लेकर के जवाब दे दीजिए। कितने मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, कितने मामलों में चार्जशीट हुई, कितने मामलों में कार्रवाई की गई, उसको लेकर के स्पष्टीकरण दे दीजिए। मैं बता रहा हूँ, शायद भास्कर जी को याद नहीं है, और याद भी होगा तो बोलेंगे नहीं। आपको क्रमवार बता रहा हूँ, लोकसभा के इलेक्शन से लेके अब तक बता रहा हूँ जी। भाटपाड़ा में दो परिवारों का आपसी विवाद में एक हत्या हो गई थी, भारतीय जनता पार्टी शीशा में लाश को रखकर अपना कार्यकर्ता बताते हुए 10 लाख रुपया उनको। सुने नीरज जी, नीरज जी आप यहाँ पे तत्व को सुनिए, अभी आप तत्व को जो बोला, जो आप तत्व दे रहे हैं वो गलत तक मत दीजिए, वो आपसी लड़ाई नहीं हुई थी, इसके पीछे आपका ही लोकल नेता थे। सुनिए पहले, आपने बोला तो मैं सुना, बमबाजी वहां पे आपका बैरकपुर का सांसद जो कि हमारे मनीष शुक्ला के हत्या के बारे में आपने क्या किया? आपके मनीष शुक्ला के हत्या के बारे में रिपोर्ट कहाँ है? बैरकपुर के
अच्छा एक मिनट, 24 घंटे में रिपोर्ट देने वाले थे, रिपोर्ट कहाँ है? मनीष शुक्ला का रिपोर्ट, आप मनीष शुक्ला का हत्यारे कहाँ है? आप जितना मनीष शुक्ला को नहीं जानते हैं उससे 1000% ज्यादा मैं मनीष शुक्ला को जानता हूँ। उनके साथ उठा हूँ, बैठा हूँ, उनके साथ फोटो भी हमारे, अगर कहें कभी मैं दिखाऊं। ठीक है, मनीष शुक्ला टीएमसी से बीजेपी गए, बीजेपी से फिर टीएमसी में, लोकसभा के बाद गए थे बीजेपी में, फिर वो टीएमसी में आ रहे थे। तो मनीष शुक्ला को आप लोगों ने मारा क्योंकि मनीष शुक्ला वहां पे एडवोकेट के साथ साथ जमीनी स्तर के सामाजिक कार्य करता रहे हैं। नीरज जी, अगर मनीष शुक्ला आ रहे थे तो आज तक आपने रिपोर्ट क्यों सबमिट किया अदालत में? मनीष शुक्ला मर्डर केस का रिपोर्ट क्यों नहीं सबमिट हुआ? पोस्टमार्टम नहीं सबमिट हुआ अभी तक? अब सुनिए, पूरे बंगाल में सिर्फ आपका सांसद अर्जुन सिंह ने बैरकपुर में जितना बमबाजी कराया है उतने पूरे बंगाल। अच्छा चलिए नीरज जी एक मिनट रोक रही हूँ, नीरज जी आपका ऑडियो एक मिनट में कम कर रही हूँ। अभी आपने एक मनीष शुक्ला के केस का जिक्र कर दिया, आपने दो भाइयों के केस का जिक्र कर दिया, मेरे पास एक लंबी चौड़ी फहरिस्त तक कुछ नाम मैं आपको सुना देती हूँ। और ये बता दीजिए कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा या जो स्थानीय पुलिस द्वारा कितने मामलों में चार्जशीट की गई, कितने मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और संजीदगी से कार्रवाई हुई। गणेश राय आरामबाग, स्वरूप शाह अभी हाल का ही मामला है, ज्यादा पुराना नहीं हुआ, 2-3 दिन ही हुए, कितनी गिरफ्तारियां हो गई हैं। विजय सील का मामला सबको पता है, मनीष शुक्ला आपने खुद ही बता दिया। कल ही गोकुल जैना की एक हत्या हुई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे। और भी बहुत सारे नाम है, मिदनापुर में जिस तरीके से दशहरा के दिन एक घटना होती है, पर चौबिल परगना में, हिंगलराज में अगर बात की जाए वहां पर हत्याएं होती हैं। ये तो इधर मैं पिछले एक महीने डेढ़ महीने की बात कर रही हूं जब लगातार इस तरह की हत्याएं होती हैं। और आप सभी में कह देते हैं कि कोई भी बीजेपी कार्यकर्ता नहीं था, बीजेपी सिर्फ किसी भी हत्या को अपने कार्यकर्ता करार देकर के ये कह देती है कि ये टीएमसी द्वारा करवाया गया है। और प्रीति जी, हत्या करके टांग के बोलते हैं कि आत्महत्या किया है, आज तक आत्महत्या का एक भी रिपोर्ट सबमिट नहीं हुआ है। यहाँ वो ऐसे ऐसे जघन्य अपराध बर्दाश्त नहीं करती, वो कराना चाहेगी। आप ही हमारे पे दोष भी दे रही हैं और आप हमें को अपराधी भी बना रही हैं। नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ कि कितने मामलों में संजीदगी से कार्रवाई हुई। सर मैंने ये दोष थोड़े दिया, मैंने कहा बीजेपी आरोप लगा रही है टीएमसी के ऊपर, पुलिस क्यों नहीं काम करती है? बीजेपी का काम है, बीजेपी का उठाकर शुरू से इतिहास देखिए तो जहाँ जहाँ बीजेपी को स्थापित होना है वहाँ पर पहले खूनी संघर्ष बीजेपी का होता है, ये वही बीजेपी है। चलिए सर, मैं अभी आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ सर वापस आपके पास। पश्चिम बंगाल में गुरुवार को भी एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई, जैसा कि जिक्र अभी मैं कर रही थी नीरज जी से, यानी पीएम की नसीहत के बाद भी ममता के लोकतंत्र में मौत का खेल जारी है। इसके अलावा गौरव भाटिया ने एक टिप्पणी दी, एक स्टेटमेंट दिया, सुन लेते हैं पहले क्या कुछ कह रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, एक बड़ा संदेश दिया था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो लोकतांत्रिक तरीके से हमारा सामना नहीं कर सकते और वो हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रहे हैं। ये बेहद ही दुखद है कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से आप लड़ नहीं सकते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं की कर्मठता के सामने आप कहीं खड़े नहीं होते हैं और इसलिए आप एक नहीं 115 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनकी हत्या पश्चिम बंगाल में कर दी गई है। तो 115 बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो जाती है। हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़े हुए हैं, पहले उनकी प्रतिक्रिया ले लें उसके बाद टीएमसी और बीजेपी, क्योंकि मेन तो आरोप और प्रत्यारोप इन्हीं दोनों की तरफ से चल रहा है। डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। सुनील साहब, पहले इस पूरी घटना को लेकर के जिस तरीके के एलिगेशन लग रहे हैं, कल भी एक हत्या हो जाती जबकि पीएम एक तरफ संबोधित कर रहे थे, क्या कुछ समझा जाए? कितना खूनी खेल अभी और चलेगा और जब तक चुनाव नहीं होंगे क्या बंगाल की धरती इसी तरीके से खून से रक्तरंजित होती रहेगी? देखो प्रीति, यद बहुत पीछे हम चलें या 3-4 दशक पहले की बात हम करें जी, और पश्चिम बंगाल का विश्लेषण करें तो लगभग पश्चिम बंगाल की जमीन पर यह होता आया है। जब वाम दलों की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार के बाद जब वाम दलों की सरकार आई तो देखा कितना खून खराबा वहाँ हुआ जी। और वाम दलों के बाद जब टीएमसी की सरकार आई तब वो आंकड़े उठा के देख लीजिए, और टीएमसी के बाद जो स्थिति बनी हुई है जिस तरीके से लगता है कि अगली सरकार बीजेपी की आएगी तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। तो ये लगभग मैं बड़ा आत्मचिंतन के साथ कह सकता हूँ कि पश्चिम बंगाल में ये कई दशकों से होता आया है। और यदि हम 4 दशक का पूरा विश्लेषण कर लें तो मुझे लगता है 18,000 से ऊपर हत्याएं वहाँ हुई हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रही है। जिस तरीके से वहाँ सत्ता की ललक में जो सत्ता में रहता है
और उसे दिखता है कि विपक्षी दल सत्ता तक पहुंच सकते हैं वो किस तरीके से कुचलने का प्रयास करता है, ये पश्चिम बंगाल में देखा जाता है। और दूसरी बात, यदि हम जिस तरीके से 2014 के बाद बात करें कि 2014 में जिस तरीके से बीजेपी के दो एमपी थे और 2019 में आके 18 एमपी हो गए जी, 18 एमपी हो गए और लगभग यदि हम वहाँ 2014 की बात करें तो 17% के आसपास उनको वोट मिले, वो जाकर के 40 के आसपास हो गए, 23% के आस इफाजा हुआ। तो मुझे लगता है कि टीएमसी कहीं ना कहीं इस भांप चुकी है कि अगली सरकार बीजेपी की होगी। और जिस तरीके से वहां तुष्टिकरण की राजनीति हुई, यदि टीएमसी तुष्टिकरण की राजनीति न करती तो मुझे लगता है कि बीजेपी को वहां राजनीति करने का मौका नहीं मिलता। तमाम सांस्कृतिक धार्मिक त्योहारों पे बंदिश लगाना, तमाम धार्मिक यात्राओं पे बंदिश लगाना, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को मजबूत कर रहा है। टीएमसी की बौखलाहट कहीं ना कहीं बीजेपी का फायदा दीजिए प्लीज। दशहरा दशहरा महर्रम एक के बाद एक, सरस्वती पूजा एक के बाद एक, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। अरे बाप रे बाप, अरे भास्कर जी पूरे देश में बीजेपी। दूसरी बात है, आप देखेंगे कि पिछले एक साल आपको पूरा वक्त दूंगी, आप कहिएगा नीरज जी, बाकी मेहमानों की मैं सुनील जी से पूछा हूँ सुनील जी से, मैं एक नहीं दर्जनों ऐसी यात्राएं गिना दूंगा या धार्मिक कार्यक्रम गिना दूंगा जहाँ कहीं ना कहीं रोक लगी, एक नहीं दर्जनों। और जिस तरीके से आपने अभी टिप्पणी बीजेपी पे की कि आपके हाथ में तो सुप्रीम कोर्ट भी है, ये सरकारों की हाथों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने लगे तो इस लोकतंत्र का लोकतंत्र बचेगा ही नहीं फिर। यदि कोर्ट इनके इशारों पर काम करने लगे, क्या तृणमूल कांग्रेस के इशारे पर क्या पश्चिम बंगाल का हाईकोर्ट काम करता है क्या? प्रधानमंत्री, एक देश का प्रधानमंत्री क्या मुख्यमंत्री से नीचे के ओहदा लेकर चलता है सिर्फ बंगाल के लिए? तब तो यह चीजें जाहिर सी है कि जिन जिन प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है, जैसे कि यूपी है, अभी बिहार के मुंगेर में आपने देखा था कि दुर्गा प्रतिमा पर कितना आक्रामक रुख अपनाया गया था प्रशासन के द्वारा, तो क्या वो कि प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने खुद को स्वीकार करे कि मैंने किया है? बिल्कुल, बिहार में मैं वही बता रहा हूँ, वहां की प्रदेश सरकार ने यदि ऐसा किया तो दूसरे विपक्षी दलों को मौका मिला ना राजनीति करने का। तत्कालीन उनके ऊपर इंक्वायरी बैठा था, यार आप नहीं करेंगे, श्रीराम के नारे लगाकर ऊपर राजनीति होती रहेगी। अनुज अत्रे साहब हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस लेफ्ट के साथ मिलकर के इन चुनाव में जाने वाली है, जिससे कहा जाता है कि हालांकि बीजेपी नंबर टू पर बन गई है तो कांग्रेस ही बहुत ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल किलिंग्स हो रही हैं और आज किसी और के साथ तो कल आप भी निशाने पर हो सकते हैं। अनुज अत्रे साहब, इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस का क्या कुछ स्टैंड है? और जब हत्याएं हुई या जिस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक पश्चिम बंगाल की धरती खून से रक्तरंजित होती रही, कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं की गई आप लोगों की तरफ से? सवाल पहले उनसे उठना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस से, कि आखिर बिहार को इन्होंने जो है एक चुनावी रण क्षेत्र की जगह एक खूनी संघर्ष का एक क्षेत्र क्यों बना दिया है? रही सवाल कांग्रेस का, तो हम लोग तो निरंतर वहां पर जनता की विकास की, जनता की जो बदहाली की, उसकी आवाज़ कांग्रेस उठाती रही है। और हम लोग समय समय पर जो है पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी से, जो इनके जिस तरह से इनका एक आतंक वाली सरकार बंगाल में चल रही है, और ये जो ऊपर से केंद्र की जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, उन दोनों ने मिलकर के जिस तरह से बंगाल को सुनियोजित तरीके से तबाह किया है, कांग्रेस लगातार गरीबों की आवाज़ उठाती रही है। सर एक मंच तो कभी कांग्रेस ने भी साझा किया था, ऐसा हालात कर दिया है कि देखिए कांग्रेस ने कभी भी इस तरह की हत्याओं का, इस तरह की वायलेंस का कभी भी समर्थन नहीं किया, ना कभी आपको कोई कांग्रेस का पार्टी का कार्यकर्ता ना कोई नेता, जरा सुन लीजिए, बीच में ना बोलिए, जरा मेहरबानी करके बीच में ना बोलिए, थोड़ा सा सभ्यता से चर्चा कर लें। मैंने आप लोगों को 20 मिनट तक धैर्य से सुना, जरा सुन लीजिए, ये बंगाल का जो आपने जिस तरह से बंगाल में आपने वायलेंस क्रिएट कर रखी है, डिबेट में मत वायलेंस क्रिएट कीजिए, यहाँ शांति से चर्चा कर लीजिए, जनता देख रही है बंगाल की। और आप लोगों का अब ये खूनी संघर्ष ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, आप लोगों ने ममता बनर्जी की सरकार के साथ मिलकर और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से खूनी खेल खेल रखा है, लेकिन बंगाल की जो है ओवर दे दिया था भारतीय जनता, बंगाल के डेवलपमेंट के बारे में कुछ नहीं प्रयास किया, आप चाहिए क्या?
आपकी ये बता दें केंद्र सरकार का क्या योगदान रहा है बंगाल में कोरोना महामारी के समय में आप वहाँ पर ढंग से लोगों का इलाज नहीं कर पा रहे करने के पहले आपने आप ममता बनर्जी के साथ मिलकर के जो कोविड-19 के केसेस छुपाने का प्रयास कर रहे हैं जो नक्सल आंदोलन हुआ था आपके चीफ मिनिस्टर थे नक्सलियों को तो बड़ा नक्सली तो आप बन गए आपके लोग वहाँ पर नक्सलाई तो आप ही है जिसको सीपीएम ने आगे बढ़ाया और ममता ने एक अंत तक पहुँचाया। देखिए शोर मचाने से आपका झूठ सच नहीं हो जाएगा। आप लोग झूठ बोलने में आप लोग माहिर हैं, शातिर लोग हैं। आपका काम है देश को झूठ बोलना और लोगों को आपस में लड़ाना भिड़ाना फूल डालो और राज करो। आज आप अपना खात्मा के लिए वेट कर रही है। आपकी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में तृणमूल कांग्रेस में दोनों में कोई फर्क नहीं आज की डेट में। अरे आप बंगाल के विकास के विषय में चिंतित नहीं है। आप लोग अपना विकास के बारे में चिंतित हैं। वो अपनी सीट बचाने में चिंतित हैं और आप कैसे सीट पर कब्जा कर लें उसके बारे में चिंतित हैं। लेकिन बंगाल के बारे में चिंतित नहीं है। बंगाल के गरीब के बारे में बंगाल में गरीबी इतनी है, बंगाल में बेरोजगारी इतनी है। क्या कहेंगे? अरे राम क्या सली उपासक यहाँ जो है खुलेआम घूमता है, बम का फैक्ट्री खुलेआम चलता है। राम आपके कॉपीराइट है, दोनों ने मिलकर यहाँ पॉकेट में लेके चल रहे हैं। दोनों ने मिलकर यहाँ चर्चा में भी राम राम बोलेगा आपका मुख्यमंत्री पगला जाते हैं और यहाँ तो बंद कीजिए पुलिस को इसके ऊपर कार्रवाई करने के आप दोनों अपना ये आदेश देते हैं। सभ्यता का पाठ पढ़ लीजिए। जुबान पे आप आ गए क्या तड़ीपार वाले भाषा शुरू हो गए। साहब को एक बार जरा सुन लेते हैं संजीव जी से। क्या बोल रहे हैं तड़ीपार कैसा गिर के बात करने का तरीका। आखिर में आप ही ने बताना है सब कुछ चीज नहीं है इनमें। प्रीति जी सुनेंगे क्या ये लोग? जी ये लोग जिस तरह से बंगाल में खुली संघर्ष कर रहे हैं चाहते हैं यहाँ भी इसी तरह का कोई संघर्ष हो जाए। ये जबानी खुली ये जबानी जो जहर बोलने का ये काम कर रहे हैं वो आज यहाँ पर चर्चा में भी कर रहे हैं। भाजपा के लोग और तृणमूल कांग्रेस के लोग यही इनका चेहरा है जो आज यहाँ पर दिखा रहे हैं वही बंगाल में कर रहे हैं। लेकिन बंगाल की चर्चा बंगाल के बारे में बंगाल के विकास के बारे में वहां गरीबी दूर करने के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ये बता दे केंद्र सरकार ने वहां कौन सी योजनाएं चलाई हैं जिससे बंगाल की गरीबी दूर हुई हो। तृणमूल कांग्रेस ने क्या किया इतने सालों में जो बंगाल की गरीबी दूर हुई? गरीबों को और गरीब किया आपने? क्या नहीं किया वहां पे आप बताइए ना। एक ऐसी योजना बताइए जो नहीं चल रही है। आपने ये किया है वहां पर आतंक फैलाया है वहाँ जुल्म फैलाया है आपने अपराध बढ़ाया है वहाँ पर। सबसे बड़ा कौन आतंकवादी है? आतंकवादियों को वहाँ पे वॉकओवर आप दे रहे हैं 2014 में कि दो सीट से भाजपा के साथ आप दोनों का तालमेल है। आप दोनों पार्टियों का नक्सलियों के साथ तालमेल है तो बढ़ावा देते हैं। कोई कहता है कि हमारे कार्यकर्ताओं को एक के बाद एक निशाना बनाया जा रहा है, दूसरे कहते हैं कि कोई भी घटना होती है बीजेपी सीधे टीएमसी का नाम ले लेती है, चाहे कोई आपस में लड़भिड़ मरा उसके बावजूद टीएमसी को बदनाम किया जाता है। कांग्रेस ये कहती है कि ये दोनों एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं बंगाल में सीटें हासिल करने के लिए। दरअसल ये किस तरह की राजनीति है और अगर इसी तरह की राजनीति होती रही तो आने वाले चुनाव में क्या आपको लगता है कि एक मजबूत सशक्त और मुद्दे असल मुद्दे जो बंगाल के हैं उसके आधार पर ही सरकार बन पाएगी? हालांकि बीजेपी अपना शंखनाद कर चुकी है, टीएमसी ने बहुत कोशिश कर ली कि उनके रथ को रोक लिया जाए, लेकिन जिस तरीके से हत्याओं का दौर जारी है ऐसे में नुकसान तो इलाके की जनता का ही हो रहा है। नहीं बिल्कुल प्रीति आपने ठीक कहा, सत्ता के संघर्ष के लिए यदि कार्यकर्ताओं की हत्याएं होने लगें और लोग जिस लोकतंत्र की हम दुहाई देते हैं पूरे विश्व में और आज आपने देखा भी तमाम राज्यों में चुनाव हुए, बिहार में चुनाव हुआ और किस परिस्थिति में अंतिम समय तक चुनाव समीकरण बदले लेकिन वहाँ से कोई भी ऐसी घटनाक्रम नहीं आया कि जहाँ हत्याएं या गोली चलने की कोई वारदात वहाँ हुई हो। तो यही हमारे देश की लोकतंत्र की सभ्यता है। यदि पश्चिम बंगाल में ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं सारे दल उत्तरदायी हैं। आप ये बताइए, मैंने अभी चार दशक की बात की, कोई भी एक ऐसा बता दीजिए जिसमें सत्ता के संघर्ष तक पहुंचने के लिए वहाँ कार्यकर्ताओं की हत्याएं नहीं हुई हों। अभी भास्कर साहब ने भी बताया, मैं थोड़ा सा उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार के बाद जब वाम दलों की सरकार आई तो उस समय के संघर्ष को आप देखिए और वाम दलों के बाद जब टीएमसी की सरकार आई उस संघर्ष को आप देखिए। तो यदि इस तरीके से वहाँ हत्याएं होने लगेंगी, आप ये बताइए, मैं रात को यह सोच रहा था कि यदि पश्चिम बंगाल में ऐसा हुआ जो बिहार में हुआ है तो मुझे लगता है दर्जनों नहीं सैकड़ों की संख्या में हत्याएं हो जाएंगी वहाँ। जब सत्ता का हस्तांतरण होता है उसके बाद लोकतांत्रिक तरीके से जो भी अंक सामने आते हैं उस अंक के आधार पर वो सत्ता पर काबिज होता है। लेकिन जिस तरीके से वहाँ देखा जा रहा है कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के साथ
पुलिस कमिश्नर के साथ यहाँ क्या हुआ, वहाँ सारे देश ने देखा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच क्या चलता है, सारा देश उसके देख रहा है कि संवैधानिक जो पद हैं तो उनके साथ भी यदि गरमा न बनी हो तो हम जनता और कार्यकर्ताओं से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो गर्मा के साथ रह करके इस लोकतांत्रिक। क्विक रिएक्शन नीरज राय जी से ले लेते हैं। नीरज जी, बाकी तमाम आरोपों का तो आपने इनकार कर दिया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि क्योंकि टीएमसी में खुद अब बगावती तेवर जो है वो देखने को मिल रहे हैं, इस वजह से भी ये बौखलाहट दिख रही है और अचानक से बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर जो एक एक करके अटैक हो रहा है वो बढ़ता भी जा रहा है। मैं जिक्र कर रही हूँ फिलहाल शुभेंदु अधिकारी का, जिस तरीके से उनकी रैलियों से ममता बनर्जी के पोस्टर्स तक नदारद हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को ये डर है कि बीजेपी ने सेंध लगा दी आपके अपने गढ़ में ही और खुद को मजबूत कर रही है? देखिए, ऐसी कोई भी फिलहाल तो अभी कोई बात नहीं है, लेकिन राजनीति में कोई आखिरी पार्टी, इसलिए पूछ रही हूँ, बता रहा हूँ, राजनीति में कोई आखिरी पार्टी भी नहीं होती और किसी को बांध के कोई रख भी नहीं सकता है। फिलहाल अभी ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक आपने बात किया है तो बीजेपी में अटल अडवाणी और मुरली मनोहर जी को छोड़कर वर्तमान स्थितियों में देखिए ना, आयातित की तो नेता बैठे हुए हैं, दूसरे दलों से आज पूरा कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है, कांग्रेस युक्त भाजपा बनी बैठी है। इनका तो एक हमारे पार्टी में छोड़ दीजिए, अटल अडवाणी तक इस जन्म में आप पहुंच नहीं पाएंगे, इसमें आपके चार मंत्री नहीं पहुंचे, सिर्फ एक कोविड पॉजिटिव इस जन्म में पहुंच नहीं पाएंगे, ये पूछ रही थी मैं। भास्कर जी लीजिए, अटल जी और अडवाणी जी के साथ। सर, अटल अडवाणी पे कहां आप पहुंच गए? नीरज जी, मैं सवाल ये पूछ रही हूँ कि आपके चार मंत्री नहीं पहुंचे, उसको लेकर के कहीं कुछ पार्टी में प्रतिक्रिया आई क्या अभी तक की, आखिर वजह क्या थी? मैंने तो ये पूछ लिया अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, अटकलें लग रही है उसको लगने दीजिए, इसीलिए मैंने बोल दिया ना कि राजनीति में कोई आखिरी पार्टी नहीं होती है, ना कोई आखिरी शब्द होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसको दूसरे दृष्टिकोण से न देखा जाए, हमारे घर का आपस का मामला है फिलहाल अभी। चलिए, आप इसे आपस का मामला बता रहे हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि प्रदेश में जिस तरीके से राजनीति को चमकाने के लिए राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं उससे इनकार नहीं किया जा सकता। बीजेपी ये आंकड़ा 115 बता रही है, हालांकि अगर बीते कुछ समय की बात की जाए तो ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है, जो चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में इसी का जिक्र किया और सीधे तौर पर कहा कि जब ये हत्याएं होती हैं तो दीवार पर लिखी इबारत से सबक ले लेना चाहिए, क्योंकि इससे आप सत्ता के शीर्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे। देखना यही है कि पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक हत्याओं का दौर लगातार जारी है उस पर विराम कब तक लगता है, कैसे लगता है और लगता भी है नहीं। आप सभी मेहमान लोग हमारे साथ जुड़े, अनुज अत्रे साहब इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नीरज जी आपने टिप्पणियां दी तमाम उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, भास्कर घोष साहब स्टूडियो में आप पाए इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर सुनील कौशिक आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ी बहस में आज के लिए फिलहाल इतना ही, ताज़ा खबरों के लिए चलते रहिए समय के साथ। सहारा प्रणाम।